नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर आ रही है। जी हां, बिहार में नियोजित शिक्षकों ने सामान्य कार्य समान वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और इस धरने प्रदर्शन में जो है पुलिस ने जमकर उनके ऊपर लाठीचार्ज करी है। चाहे कोई महिला शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक हो, पुलिस की लाठियां सब पर बरसी हैं और इस धरना प्रदर्शन में लाठीचार्ज के बाद कई शिक्षकों के घायल होने की खबर आ रही है। नियोजित शिक्षक बिहार में समान कार्य और समान वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बर्बरता से उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी पुलिस की लाठियों से बच नहीं पा रहा है। और देखिए, समान कार्य समान वेतन को लेकर ये धरना प्रदर्शन था जिसमें लाठियां चार्ज हुई हैं। एक ही पद पर काम कर रहे नियोजित शिक्षक और शिक्षकों के वेतन में बहुत अंतर है, जो कि देखा जाए तो गलत है, क्योंकि कम वेतन में अपने परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरीके से यूपी में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के साथ भी वेतन में बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है, क्योंकि उनका वेतन समान टीचर के वेतन में बहुत ही कम है और इतने कम वेतन में अपना कार्य अच्छे तरीके से करते हुए भी वह अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। और आप ये देखिए बिहार में कैसे पुलिस वालों ने टीचरों के ऊपर जो है नियोजित शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। ये धरना प्रदर्शन पहले शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, इसमें महिला शिक्षक भी घायल हुए हैं। जी हाँ, महिला शिक्षकों के भी घायल होने की पूरी खबर आ रही है। इसमें एक धरने में अपना अपनी बात को रखना, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना, ये हम सबका अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को भी अब हमसे छीना जा रहा है। पुलिस ने जम के लाठियां बरसाई हैं। ये समान कार्य समान वेतन को लेके ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। इस धरना प्रदर्शन में बहुत से टीचरों के घायल होने की खबर आ रही है। आप देख सकते हैं कैसे पुलिस वालों ने नियोजित शिक्षकों को पीटा है बुरी तरीके से। ये कम वेतन मिलना एक ही पद पर रह के, ये एक गलत डिसीजन है और इस डिसीजन का विरोध कर रहे थे टीचर और उनके ऊपर लाठी बरसाई गई जम के। शिक्षा विभाग से जुड़ी और खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।